नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं, मनीष कुमार झा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए। इस बार खबर है हजारीबाग, जहां हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने प्रेस वार्ता की है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से झारखंड सरकार लगातार होल्डिंग टैक्स बढ़ा रही है, नगर निगम क्षेत्र में टैक्स बढ़ा रही है, इससे जनता परेशान है, त्राहिमाम है। एक बार पहले भी 2017 में टैक्स बढ़ा था, जिसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया था और वापस लेने पर सरकार को मजबूर किया था। इस बार भी इनका कहना है कि यदि सरकार जनता को राहत नहीं देती है, इस टैक्स को वापस नहीं लेती है, तो लगातार ये प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर आएंगे, क्योंकि सरकार के हित के लिए लगातार ये काम करते रहे हैं। आपको याद होगा, बिजली कटौती को लेकर भी इन्होंने जोरदार हल्ला बोला था, जिसका परिणाम था डीवीसी झुकी थी और जनता को लगातार निर्बाध बिजली देने का बात कहा था, और इसके बाद बिजली सुचारू रूप से लोगों को मिल भी रहा है। आइए आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता में मनीष जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। अखबारों के हेडलाइंस में भी आया, थोड़े संख्या में व्यवस्था, आज जब वो लागू हो रहा है तब वो बड़ी संख्या में आज से माल का आवागमन बंद किया है। उसी प्रकार से जरूरत है होल्डिंग टैक्स के मैटर में, क्योंकि हर घर से जुड़ा हुआ मामला है, हर दुकान से, हर व्यवसाय से जुड़ा हुआ मामला है। और पिछले बार की तुलना में 2017 में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो बढ़ा था, लेकिन वैल्यू के तुलना में अगर हम एक रुपया कोई चीज उदाहरण का बताते हैं, उदाहरण इसको वोट आप उदाहरण के रूप में करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कोई एक रुपया की चीज हो, अगर आप उसको 3 रुपया कर देंगे तो आप कह सकते हैं कि 300% बढ़ा, लेकिन वास्तविकता में क्या आपके जेब से 2 ही रुपया था, इसीलिए लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकती। लेकिन ये जो प्रक्रिया लागू हो रहा है, एक तो अभी बढ़ेगा जबरदस्त तरीके से, डिस्क्रिमिनेशन होगा, आपका कम मेरा ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, ये होगा। रेट तो एक रहने चाहिए, मतलब जो भी होल्डिंग, ये सुविधा का शुल्क, कोई टैक्स बोल करके इसको लेता है, जैसे आप इनकम टैक्स लेते हैं, सेल्स टैक्स लेते हैं, वो एक अलग चीज है। होल्डिंग का टैक्स प्योरली जो नगर निगम आपके लिए करती है, उसी के एवज में आपको, तो 13,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट के लिए 200 रुपया लेगी और 1,000 फीट के फ्लैट के लिए 400 रुपया लेगी, तो ये कहीं ना कहीं जो सोच है वो गलत है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि हर साल बढ़ेगा, अब एक ये हर साल अगर 10% बढ़ेगा तो आप समझिए कहाँ चला जाएगा इस समय। तो इस बात के लिए भी जरूरत है सबको समर्थन देने की, हम लोग का पूरा समर्थन, जो व्यापारी वर्ग का जो आंदोलन है उसको, उसका उसको हम लोग का पूरा समर्थन। और ये कहीं कहीं पर चलाया जा रहा है ताकि उपयोगिता, तो ये प्योरली कमीशन खाने के लिए रांची से इसको जबरदस्ती नगर निगम पर फूंका गया। आज हम लोगों को जरूरत क्या है, अभी आप वर्षों के दूसरे पर मतलब देख रहे थे, ये एक ये था कि भाई पानी बहुत थोड़ा सा बरसात हुआ, तो हम लोग को जरूरत है वाइब्रेशन मशीन का, जो कि नाली को जो है नाली को रिफिल्ड कर सके, ज्यादा जरूरत है। ट्रैक्टर का जरूरत है, जेसीबी का जरूरत है, हम लोग को मैन पावर का ज्यादा जरूरत है, जो गली तो ये जो अभी जिस तरीके से होल्डिंग टैक्स का धारण का तरीका किया गया है और मजबूती हो गया है, लागू भी हो गया है, तो बर्डन पब्लिक पर आ चुका है। तो हम लोग अपनी ओर से रांची से ही आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हम लोग इसमें जो है आंदोलन करेंगे, रांची में शुरुआत की, टैक्स को खत्म किया गया था पहले 1% के टैक्स, और जितना इसका कलेक्शन नहीं होता था उतना ज्यादा इसका भया दोहन था। बहुत सारी गाड़ियां जो है अब आप बाजार समिति में जाकर उतारे, फिर उसको लोड करें, फिर लोड करके लेकर के शहर में आए, इसका
तो लोग क्या करते थे, सीधे गाड़ी लेकर के आ जाते थे। अब बाजार समिति का आदमी जो है तुरंत पहुंच जाता था कि लाओ 500 रुपया। तो ये जो इंस्पेक्टर राज था, इसको देखते हुए, लोगों की परेशानी को देखते हुए और बेसिकली एक कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, इन सभी को देखते हुए टैक्स को खत्म किया। अभी इन्होंने पुनः उसको पुनर्जीवित किया है टैक्स को, और जहां पहले 1% था अभी उसको 2% कर दिया है। और इसके ढांचा को पहले SPO इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से लोग बात करते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। तो अभी जो कुछ जनप्रतिनिधि के बारे में आप देख रहे होंगे, ये माइंस अपने नाम से किया, अपने रिश्तेदारों के नाम से, अपने सीए के नाम से, अपने प्रतिनिधि के नाम से दिया, तो आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो जैसे लोग वहां बैठे समर्थन भी मिला, फिर भी हम लोगों को सफलता नहीं मिली, न्यायालय तक भी गए। कारण ये भी रहा कि उस समय तक काफी लोगों ने फंडिंग टैक्स को दे कारण हमको सफलता नहीं मिली, और पुनः इस बार उससे भी ज्यादा भयावह रूप में इस बार लागू किया गया। हमको तो लगता है कि हम लोग अपने मकान में ही किराया देना पड़ेगा, जिससे किराए का मकान में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, हजारीबाग की जनता से यही निवेदन करते हैं कि इस बार डरे नहीं, सड़क पर उतरे, कोई आपके मकान का नीलाम नहीं कर सकता है। हजारीबाग की जनता कहीं ना कहीं आंदोलन के रह जा रही है, भयभीत हो जाती है, तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। और जितने भी जनप्रतिनिधि हजारीबाग के हैं सभी से निवेदन करेंगे कि आप लोग समर्थन दें, जितने भी वार्ड कमिश्नर हैं या जितने भी सारे लोग आए एक मंच रहता है, एक अम्ब्रेला में आए और विरोध करें, हजारीबाग का प्रयोगशाला न बनने दें, टैक्स के लिए इसका भरपूर विरोध करें, और इसके जब तक न समाप्त हो जाए तब तक लगे और हर घर तक जाएंगे, जनता से मिलेंगे। हम लोग चाहेंगे कि जनता लोग जागरूक हो, इसके विषय में आप लोग के माध्यम से चाहेंगे आप लोग भी कितना टैक्स लग रहा है जनता को बताएं।